दोस्तों मारुति अपनी बलिनों का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च करने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है करंट की बलिनों से। और बलिनों का फेसलिफ्ट वेरिएंट 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। और बलिनों के फेसलिफ्ट वेरिएंट में सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज किया जाएगा वो है इसके एयरबैग। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग ऑफर किए जाएंगे टॉप एंड वेरिएंट में, क्योंकि बलिनो एक अनसेफ कार है। बलिनो का ग्लोबल एनकेप में क्रैश टेस्ट किया गया था, यूरोपियन क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसके अंदर बलिनो को 3 स्टार रेटिंग मिली थी। और जो बलिनो का न्यू मॉडल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो बी पिलर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। एक फेसलिफ्ट वाली बलिनो खड़ी है और एक खड़ी है करंट वाली बलिनो, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। जो फेसलिफ्ट बलिनो है उसका बी पिलर काफ़ी चेंज लग रहा है। और अब बात करें इसके रियर टेल लैंप की, तो इसका जो टेल लैंप है वो काफ़ी ज़्यादा रीडिजाइन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है। और इसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है करंट वाली बलिनों से। और इसके जो हेड लैंप्स है वो बिल्कुल बदल दिए गए हैं, जो कि करंट वाली बलिनों से भी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। और मारुति अपनी बलिनों को बेहतर सेफ्टी के साथ लॉन्च करेगी, जो टाटा की आल्ट्रोस से सीधा मुकाबला होगा और हुंडई i20 से इसकी बेहतर टक्कर होने वाली है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।